सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये आज जो हमारे घर में लगाते हैं, जो लगा के रखा था, और उसके बाद ये सारी तैयारी, थोड़ी देर में कन्या जमाई जो बोलते हैं, कन्या जमाई वो होगी, बालिकाओं का इंतज़ार। बस एक ही बात कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि ये जो हम कन्याओं का सम्मान आदर ये करते हैं ना, क्यों उम्र के साथ साथ हमारी सोच बदलने लग जाती है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि अंकिता कांड हो या फिर निर्भय हो, कुछ भी ये रिपीट हो तो मुझे लगता है कि श्रद्धा पूजा फिर इसका क्या। तो घर से ही संस्कार, चाहे लड़के हों चाहे लड़के हों, उसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए और पक्का होनी चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी देर बाद फिर आने वाली हैं कन्याएं ठीक, और ये बहुत क्यूट लग रही हैं आज। क्या नाम आपका? मीठी मीठी। कितने मीठे हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? कौन सी क्लास में हो आज? तो आप कहाँ कहाँ गए अभी तक? कल भी गए थे? कल नहीं गए तो? तो ये है मिट्टी। अच्छा, तो ये है क्यूट मिठी, और कन्या जी में प्रसाद ले लिया इसने। क्या भैरव बाबा, तो आज ये अलग अलग रूप में मिलते हैं सब। आज तो खूब सेवा हो गया ना, और दोनों शाम को खेलते रहते हैं, तीनों, दोनों नहीं तीनों, सामने वाला फुटबॉल खेलता है, अपना पार्टनर है, और ये दोनों भागते रहते हैं खूब दौड़ के साइकिल के पीछे। कन्या पूजन, और उसके बाद खाने को मिलेगा। ये देखो भैया, आज तो दिन है इनका। और भी जाओगे कहीं? इससे पहले भी गए थे? कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, जल्दी बताओ। छुट्टी है क्या स्कूल की? ये सही है, छुट्टी। और बाबा जी आप ठीक? भैया कन्या पूजन शुरू हो गया, थोड़ी देर बाद खाना पीना चलेगा। अब ये फिर से कन्या पूजन, सब बैठे हुए हैं आज। ये देखिए इधर भी हैं कुछ, और कुछ इधर भी हैं, ठीक है तो गलत हो गया। छोटे छोटे कन्याएं, और साथ में बाबा लोग भी हैं। बाबा लोग हाथ उठाओ इधर को, ये देखो बाबा लोग। कौन से बाबा? भैरव बाबा। पहले पूजन और उसके बाद फिर भोजन, यानी कि प्रसाद के रूप में भोजन। नवरात्रि का आज कौन सा नवा दिन, व्रत का समापन भी है ना आज, तो व्रत के समापन के साथ होता है 9 दिन तक व्रत, और उसके बाद आज कन्या पूजन यानी कि कन्या जिमाई जैसे बोलते हैं, उसके बाद फिर पूजा संपन्न। कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा रहे बच्चे, ये रहे।